भाव वधा के 10 रुपए करते उदो रेट भी 5 रुपए तो घट होंगे सन और जिथे पिंड दलित भरावान से बिजली माफ सी उत्थे मैं कह सकता क्योंकि अब बिजली महंगाई सब तो वड्डा मुद्दा बन गया और वेखो जदों 2017 की सरकार बननी सी कांग्रेस की इन्होंने किन्ना वड्डा चाल लोगों खेती पहला झूठिया सोवा खाती गुटका साहब किया एक शायद कले भी नहीं होया कि कांग्रेस पार्टी के घर घर जाके फार्म भराए कि घर घर नौकरी दवांगे और मैं उदों कहता सा कि यह गल्लां झूठ ने नहीं दित्तियां जाणियां क्यों मैं गल कहता सी क्योंकि किसी ने हिसाब ही नहीं लाया कि पंजाब च कुल जिहड़े घर ने 65 लाख घर ने पंजाब च ते कुल नौकरी जिहड़ी सरकारी है 6 लाख है ते जे 70 साल 6 लाख नौकरी सरकार ने दिती है तो 50 साल जे 65 लाख घर है एक नौकरी दोगे 65 लाख नौकरी कितों दे देनी सी मगर कांग्रसिया ने फड़िया झूठ और झूठ ही बोली गए और मैनू अज हैरानगी होंगी है फिर दूजा वायदा की किया कहते फार्म भर दो घर घर मोबाइल देवे मोबाइल भी ठग गए मोबाइलों के बिल बिल भी आप भरने पे वह भी नहीं भरे चलो मोबाइल तो नहीं दिते बिल ही भर देंगे मोबाइल के वह भी आपके को भरने पै गए फिर इस तरह वायदा किया कि जब तक नौकरी नहीं मिलू असी 2500 बेरोजगारी भत्ता देवे मिले जी किसी भत्ता तुम हैरान हो जाओगे फिर नाल ही वायदा करता कि बापू बादल वेले तो पेंशन घट आती सी असी 2100 रुपया देवे वह भी नहीं दिती 51,000 शकल स्कीम एक वायदा जो पूरा किया मुलाजम ठग ले मुलाजमान के भत्ते खा गए नौजवानों की नौकरी खा गए एससी स्कालरशिप जी बादल साहब वेले 1000 करोड़ सालाना बनते धर्मसोत मंत्री बनाया और सारे की एससी स्कालरशिप ही खा गए अज तक बच्चों कई कॉलेज तो बाहर हो गए उन्होंने वो अपना स्कालरशिप नहीं मिली मापे ओदी पढ़ाई के पैसे नहीं दे सकते अज वो नौकरी तो वांझे हो हुण जिहड़ी पार्टियां दो ने दोवें सगे भरा जिन्हां ने सारी उम्र कांग्रेस च लाई है एक जाके झाड़ू वाल खलो गया ते एक कांग्रेस च खलोता भावें उहदा मतलब की है वोट जिथे मर्जी पा दिओ डिगनी भावें झाड़ू नूं पा दिओ तां वी कांग्रेस च है ते जे कांग्रेस च पा दिओ तां वी झाड़ू च डिगनी है उहदा कोई फायदा होणा आ 20 MLA मिले सी इन्हां दे 20 चो 12 पहले ही कांग्रेस च भज गए मैं तां विधानसभा च नज़ारा वेखदा सी मेरे नाल 2-4 बंदे सी मैं तुसी कद ली औखे होने तुसी भी जाया करो कहिंदे हुण तां साडी गल एक है मगर असी तां बैठे किते दाह लग जे ते इत्थे बह गए तां बैठे नहीं तां गल उहनां दी भी इक सी यही मेरा कहण दा भाव है कि दिल्ली वालिआं ते भरोसा जां कांग्रेस ते भरोसा कहदा कर सकदे अज हालात ये बड़े है कि मैनू लगता दिल्ली वाला देखो इत्थे आउंदा दिल्ली की गरंटी की गल करदा अज तक दिल्ली ने कदे पंजाब नूं गरंटी सही दित्ती है जिहड़ा 84 दे दंगियां दा अज तक सानू इंसाफ नहीं मिलिया दरबार साहब ते अटैक करता कदे होया जिथे सरबत दे भले की अरदास हुंदी होवे दुनिया के कोने कोने तो लोग आके आप दीआं झोलियां भर के जांदे होण उत्थे टैंकां तोपां चढ़ाता दिल्ली वालिआं ने ते ओह गल करदे गरंटी की और जिहड़े वादे आके इत्थे करदे आ अज तक दिल्ली च इक नहीं पूरा करदे जिवें कोई अबदाल का सरपंच बन जाए तो कहे कि नहीं अबदाल से तो नहीं मैं देने जाके अगले पिंड जिहड़ा है ना किसे सैने वाली जा सैने वाली बैठे जा अलकड़े अलकड़े दे दू मगर अबदाल नहीं दू अबदाल वाले कहणगे वड़ तू पिंड फिर तैनू दसांगे वह हाल दिल्ली वाले का होया दिल्ली जाके एक वायदा नहीं पूरा करता सब तो महंगी बिजली दिल्ली दिल्ली किसी धी भैन नूं 1000 रुपया नहीं दिंदा कहिंदा इत्थे दे दू और चोणां वेले ही आउंदे जिवें मीह वरदा ना जदों मीह वेले बरसाती डड्डू निकलदे उस तरह निकलदे आ ते झूठ मार के पार जांदे आ प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर साहब दी जिन्हां ने पूरी सजा कट ली आपदी अज तक उहनां दा एक बार नहीं कट रहे जेल च फसाई बैठे आ और सब तो वध जे ठेके च नौकरी कोई दिंदा ते दिल्ली सरकार दिंदी है पक्की नौकरी नहीं किसी नूं दे के राजी
सत्तर साल चार सौ चौदह बंदियां नूं नौकरी दित्ती आ। आर टी आई की इनफॉर्मेशन है। किसानों के 20,000 किसान ने उत्थे कुल आ जगतार जी तो उत्थे बार्डर ते बह के आए लंबा समा, इन्हां नूं पता होना 20,000 किसानों के बंबियां के बिल दिल्ली च नहीं माफ है। दिल्ली च कहिंदा सी मैं दुगनी कर दूं आमदन किसानों की, मगर कई इह जे जिन्हां नूं आपदे फसल की पूरी रेट नहीं मिली है। इसलिए किसानों के अड्ड मुद्दे ने, नौजवानों के अड्ड मुद्दे ने, एससी भाईचारे के अड्ड मुद्दे ने, व्यापारियों के अड्ड मुद्दे ने, दुकानदारों के अड्ड मुद्दे ने। मैं नहीं कहता कि सारे मुद्दे हल हो सकते इकट्ठे, मगर यह जरूर है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं कांग्रेस आप ते श्रोमणी अकाली दल च, फिर सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने जो दरिया दिली नाल खुल दिली नाल लोगों का पिंडा च हाथ फड़े है वह किसी ने नहीं फड़े। इसलिए मैं ये बेनती लैके आया कि मेरी इलैक्शन चलती है दो हल्कों च। छोटा तो इस गल का धन्यवाद है कि तुसी हमेशा मेरे ते मेहर भरिया हाथ रखिया। और पांच साल ठीक है सरकार नहीं सी, मेरे कोई ग्रांट नहीं सी। ग्रांट मिलती है जिसकी सरकार होवे जां बंदा वजीर होवे। पांच साल के असी एम एल ए जरूर बन गए, सानू एम एल ए को एक दवानी नहीं किसी को खर्चा देने लई, मगर जे सरकार बढ़ जानी है तो जब बन जू तो थोनू मेरा पता है कि जो मर्जी कहोगे उत्ते घुग्गी वज्जिया करूगी, काम होया करूगा, रिजल्ट सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया। आ मेरे जेडे विरोधी है ना आ दोवें जेडे खलोते है, 10 साल जदों सरकार सी ये भी हौली दे के जदों इन्होंने काम करवाना हुंदा सी जाके दसदे सी मजीठी आए हैं, ये नहीं दसते सी कि असीं उहदा विरोध करते हैं। मजीठिया नौ लैण नाल ही अफसर डरदे मारे काम कर देंदे सी कि भाई इहदा काम ना रोको, इन्हों का सेवादार सिपाही इन्हों का तगड़ा उन्हें घेरा पा लेना। मेरा कहण का भाव कि मेरे विरोधी भावें अच्छ मेरा विरोध करते हैं, मगर जो 10 साल सरकार सी सरकारे दरबारे जाके ये भी अपने नौ की खट्टी खाते सन कि जाके साडा भला हो जाए। इसलिए जे विरोधी खा सकता आपदा का तो मेरा पहला फर्ज बनता बाह फड़न का। इसलिए मैं लंबी चौड़ी गल ना करता होया थानू यही कहूँगा कि पहरा ला के रखियो। और अज जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं चाहे वह कांग्रेस चो ने चाहे वह आप चो ने, मैं उन्होंने दिल दिया गहराइया चो उन्हों का धनवाद भी करता, पार्टी च जी आया भी कहना। और एक बेनती करता कि ऐतकी कल्ले कल्ले पिंड नहीं मेरे तो जाया जाना, कारण यह है क्योंकि पहले पिछले 1.5-2 महीने तक सरकार ने मेरे ते इस ते खराब करते कि इहनूं परचा दे के अंदर देना ही देना, मगर छोटी अरदासा ने गुरु की बख्शिश करके उन्हां दी साजिशां फेल हो गई। जिवें टाडा लगती है ना जां युआपा लगती है जां मकोका लगती है, उहो जिहियां धारावां मेरे ते लातियां कि एक बारी इहदी जमानत ना हो जे भावें मगरों बरी हो जांदा बंदा। 95% केसा च वेख्या युआपा ते टाडा वालियां च कि बंदा बरी हो जांदा, मगर एक बारी उहदी जमानत नहीं आउंदी। सिर्फ शरारत इस लई कीती गई सी कि किते इलैक्शन च खलो ना जावे। जदों हाई कोर्ट ने भी मैनू जमानत दिती इन्होंने उतों रेड शुरू करते, जदों 3 दिन का समा दिता कि किते कागज ना भर दे आपते जाके, तो हाई कोर्ट च भी जाके असीं हुण कंटैंप पाउण दा काम कीता कि हाई कोर्ट के आर्डरां दी भी उलंघना कर गए है। और तुसी हैरान होंगे कि जेड़े देखो आम तौर पर तो बंदे दे परचा थानेदार दिंदा ना, मैं कल्ला ही बंदा होना सारे देश च जीते परचा DGP ने दिता, थानेदार ने नहीं दिता। DGP एक बदले आ कहता है गैर कानूनी है, मैं नहीं परचा दे सकता बदलता। दूजा लाया वो कहता मैं नहीं कर सकता बदलता। तीजा DGP लाया सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ते उन्हें जाके परचा किया, मगर रब दे रंग वेखो किड्डे सी बख्शिश कि जिन्हें मेरे ते परचा किया थोड़ी अरदासा दुआवां सदके सच्चे पातशाह की बख्शिश सदके 18 दिनों चो DGP की कुर्सी तो लथ गया। और हालात यह बन गए हैं, हालात यह बन गए हैं कि मेरे ते परचा देने वाला शायद मेरे तो पहला वो अंदर हो जाए उन्हें जे गैर कानूनी काम करते हैं। एक आडियो निकल आई है
कि पीओ बंदे नाल बह के वो जिथे पुलिस वालियां दी बदली करा रहा है, जिथे लोगों नू झूठे केसा च फसाउण दी गल कर रहा है, जिथे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नाल बह के सतवंत सिंह सब इंस्पैक्टर ते पीओ सरबजीत जिहड़ा हाई कोर्ट वल्लों पीओ होवे ओ डीजीपी नाल बह के रोटियां भी सांझी कर रहा है, ते पाकिस्तान आईएसआई वल्लों भेजे आरडीएक्स बंब पिस्तौलां दी रिकवरी दी गल कर रहा है। जे सधारण पिंड च कोई बंदा इह जे कम नाल फड़िया जांदा है ओदी ऐसी तैसी पुलिस फेर दिंदी है, ते फिर कानून की डीजीपी लई वखरा हो गया। मगर ये गुरु की बख्शिश है कि ऑडियो बनाने वाले भी ओदे और अज ऑडियो यह जी गुरु की बख्शिश हुई कि बाहर आ गई। कुछ दिन की गल है जो NIA की जांच होनी है ये DGP नहीं बच सकना और इस DGP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देती कि यह DGP माड़ा है। जो ये आपकी कुर्सी पर बैंदा है अपनी पावर की दुरवरतों करता है, इसलिए पंजाब की बार्डर स्टेट का ज 1 लाख पुलिस फोर्स के मुलाजम का DGP रहने जोगा नहीं। और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जिहड़ी कमीशन बनिया उन्होंने भी इस DGP नूं अयोग मनिया कि ये काबिल नहीं है, इनू DGP लाउणा मतलब पंजाब च लॉ एंड आर्डर कानून व्यवस्था नूं भाईचारक सांझ नूं खतरे च पाउण दी गल हुंदी है। इसलिए ओह जे बंदे नूं ला के ओहदे नाल सौदा कीता गया कि मजीठिए ते परचा दे दे, और सौदा ये सी कि मजीठिए ते मैं परचा दे दूं मगर फिर मैनू 2 साल तुसी DGP रखोगे। उन्हां दा सौदा कांग्रेसियां ने ते कर लिया मगर रब दी कचहरी च सौदा प्रवान नहीं सी। और उत्थों ये जी बख्शिश होई कि अज उह DGP भी लत गया ते बड़ी छेती उहदी खबर आउणी है कि मैनू सलाखा च देण वाला सलाखा च मेरे तों पहला पहुंच जाणा। मेरा तो रब राका लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे ते जिन्हें मेरे ते परचा दिता 3 बंदे ने, 1 चन्नी आ माइक जी ने लाया वह किथे आ टेंट वाला किथे आ है कोई मुंडा जिहड़ा माइक लाई लाउंदा कि अपना ही है अपना चन्नी आ चन्नी कहिंदा मैं आ माइक भी लाउंदा सी कहिंदा मैं मंजे भी बंदा रहा कहिंदा मैं टेंट भी लाउंदा रहा लियाओ मैनू लभ के लियाओ 1 माइक लाउण वाला जां टेंट लाउण वाला जां मंजे बन्नण वाला बंदा सारे दुनिया च जिहदे घरों 10 करोड़ कैश लभ जे लभदा किसे ओह विचारे 10-10 प्रोग्राम करके भी उहनां नू शाम तक 10,000 नहीं जुड़दा और जे जुड़ भी जांदा ते आपदे परिवारक खर्चे च निकल जांदा। ए प्यो दे पुत ने पता नहीं किहड़ा मैक ला छड्डिया ਕਿਹੜਾ ਭੰਕੂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਔਰ 56 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਭੇ ਆ। ਹਲੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਲੀ ਦਾ ਗਾਂ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਜੇ ਉਦਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਹਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਬੂ ਗੋਛਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆ। ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਟੇਪ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੀ ਤਾਲਾ ਠੋਕਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 1,70,000 ਵੋਟਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਢੌਣ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ,
किले नूं सांभ के मैं तुहानूं फड़ा दूं कि गांह ना किसी दी धौण चे वड़ जाए। मेरे वीरो 18 साल उस श्री अमृतसर साहब की धरती ने उन्होंने मान बख्शिया। एम पी भी रह गया, मिनिस्टर भी रह गया, चीफ पार्लीमेंटरी सैकटरी भी रह गया। तिने सरकार डालिया, साड़ी तो चली गई सी ना, ये प्यो का मत ढबूसी मार के अगली सरकार च भी चले गया, अकाली दल च भी रह गया, भाजपा च भी रह गया, तो कांग्रेस च भी चले गया, तो प्रधान भी बन गया। जे मैं कहण तां कोई अहुदा नहीं रह गया जिहड़ा इहनूं दे सके। 18 सालां च इहदी प्राप्ति दस दो की है, जे एक भी इट लवाई होवे किथे। अपने हलके चों जित के जांदा रहा, कहिंदा रहा मैं चम दीआं जुत्तियां बनवा दिओ इहनां लोकां दी जिन्हां ने मेरे चम दीआं जुत्तियां बनवा दिओ जिन्हां ने मैनूं इहनां माण बख्शिया। मगर की लभिया किसे नूं? जे घरे जांदा तां बूए बंद ना, किसे दे सुख दुख दा भाईवाल लोकां ने मन बना लिया कि हुण इहनूं दुरुस्ती करनी है। और मैं तां कल्ला इक जरिया ही बनना, इसलिए भरावो थोनू बेनती है कि इतने तुम पैरा ला के रखियो, उ नवा काम है, मैनू उन्होंने घेर लैन दौ। तो मैं लगता मुड़ के खबर आऊ कि सिद्धू तारा तो पार लंघ गया। इतने तो किसी ने मुख्यमंत्री नहीं बना, मैं लगता हूँ तो इमरान खान ना ही सौदा करूँ कि मैनू भावें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रधान बना दे, तो उतों किसी सूबे का मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि मैनू नहीं लगता राहुल गांधी ने इनू प्रधान बना। राहुल गांधी नू कोई कांग्रेसी चेते कराई दो कि तेनू पप्पू आखदा सी। राहुल गांधी नू ये भी चेते करा देना किसी ने कि तेरी मम्मी नू मुन्नी आखदा रहा। और राहुल गांधी नू ये भी चेते करा देना किसी ने कि यही कहिंदा सी कांग्रेस मुन्नी नालों वध बदनाम है ते शीला नालों वध नलाम है। जिस दिन अनाउंसमेंट कांग्रेस ने करती इहदी नहीं आउणी मुख्यमंत्री चेहरे की, तो फिर मैनू लगता ये तो आप नहीं लगना, इन्हें दुल नू कुछ ना हो जाए। और मैनू तो यह भी पता लग्या कि साडी सत्कारयोग भैन बीबी नवजोत कौर सिद्धू कहिंदी मैं भी वोट अखीर च मजीठिए नू पाऊं, ये मेरे हक वोट का हकदार भी नहीं है। इसलिए जिहदा टब्बर ही उहदे खिलाफ होवे, चलो उहदी भैण बारे मैं की करनी। देखो भैणां दुआवां मंगदियां भरावां वास्ते, मेरी भैण मंगदी है, थोड़ियां भैणां मंगदियां, साडा संस्कार ये है। और मां मर जाए 100 वारी मर जाए, मां मगर पुत दा धी दा आपदे दा सुखी मंगदियां मर जांदियां ने, मतलब भावें जो मर्जी हो जाए। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, मैं किसी परिवार के बारे गल नहीं करता, मगर मैनू भी उस भैण दा दर्द महसूस होया, दुख होया कि इस तरह का काम नहीं चाहिए, ये काम चंगा नहीं। गुरु कृपा करे, मैं सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू नू माड़ा नहीं आखदा, मैं तो परमात्मा के चरणों च अरदास करदा कि सच्चे पातशाह गुरु इस नू समत बख्शिश करे कि आपकी भैन प्रति आपके परिवार प्रति ये ठीक सोच रखे, क्योंकि परिवार के मसले सियासी मसले होर होंगे है, परिवार के मसले अड होंगे, इन्हों ना जाता होया। मैं अज फिर दिल दिया गहराइया चो मैनू तो इन्ना दस दौ, इत्थे पैरा वधिया ला के रखोगे कि नहीं रखोगे? श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद, सरदार जगतार सिंह होरां दा जिंदाबाद। जिहड़े किसान जथेबंदी वाले साडा बड़ा, चलो हमेशा ही मेरे ते इन्हां ने मेहरबानी रखी है, अज भी इत्थे आ के मैनू विश्वास तो आ के गए है, इन्हां दा भी मैं धन्नवाद करदा। हुण गज वज के मैं नचा जकारा भी छड्डना, ते चोर निशान लकड़ी की हो गया हां, आ जा फिर 2 मिनट तू ही ला ला, फिर मैनू कहदे लई जोर लवाई जांदा। ये मेरा पुराना चमकीला जी, ये भी बदल गया, थोड़ा जा गड़बड़ करन लग गया, मगर हुण चंगा नहीं जी। गड़बड़ नहीं कोई कीती, अही अकाली दल दे बंदे आ, पक्के ते चकणगे फटे। चंगा आ जा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਰਾਂ ਦਵਾਵਾਂ ਜੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਲੱਗਣ ਹਵਾਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ।